ऑर्डर एंड हायर डिग्री के क्वेश्चन है। तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, नोट करो, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज एफ ऑफ x by p equal to pn plus p1 x by pn minus 1 p2 x by pn minus 2 up to pn x y this equal to 0। इस इक्वेशन 1 देखो, देखिए ये स्मॉल p है और p1 p2 pn तक ये कैपिटल p है, वेयर कैपिटल p1 कैपिटल p2 कैपिटल p3 अप टू कैपिटल pn आर द फंक्शन ऑफ x एंड y both x and y both x and y both ये काय के फंक्शन है, x और y के फंक्शन है, ठीक है, p1 p2 p3 up to pn तक। एंड जो स्मॉल p आपको दिख रहा है दिस इज बिलोंग्स टू dy upon dx, स्मॉल p इज इक्वल टू dy upon dx होगा। इसमें कौन स्मॉल पी या कौन कैपिटल पी है, क्या हो गया इसमें स्मॉल पी और कैपिटल पी कौन सा है? ये जो दिख रहा है पी की पावर जो दिख रही है ये स्मॉल पी है और जो पी वन पी टू पी थ्री ये कैपिटल है, ठीक है। स्मॉल पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, अबव इक्वेशन वन can be divided in the following type। इस इक्वेशन को तीन प्रकार में अपन डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से तीन प्रकार, देखिए f is the function of x y and p। f किस किस का फंक्शन है, x का है, y का है और p का फंक्शन। f इज द फंक्शन ऑफ x y एंड p, ये उसके तीन प्रकार के फंक्शन है। f इज द फंक्शन ऑफ, क्लियर है, वॉइस नहीं आ रहे, सर आवाज नहीं आ रहा है।
सर वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही। अभी हेलो आवाज आ रही बेटा? यस सर। यस सर अब आई आवाज? यस सर। यस सर आलिम? यस सर। यस सर आलिम आवाज? हाँ आवाज आ रही है। यस सर। यस सर आलिम? यस सर आ रही है। आशुतोष? मेरी आवाज आ रही बेटा? यस सर आ रही है आवाज। अंकित? यस सर। हेलो? यस सर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस आर नो उसमें लिख के बताओ, तुम चैट बॉक्स में लिख के बताओ मेरी आवाज आ रही कि नहीं। यस आर नो? यस। चलिए ठीक। ओके ओके ओके। तो अब पहले अपन सॉल्व करते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। पी के लिए अपन सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो इसमें जब पी के लिए सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो अपन इसमें कैसे अप्लाई करेंगे पी के लिए सॉल्यूशन को, इसको अपने को सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये देखना है। तो देखो इसको कैसे अपन इसमें सॉल्व करते हैं, नोट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है सॉल्व
solve p square minus 5p plus 6 equal to 0. P square minus 5p, p square minus 5p plus 6 equal to 0. हम इसको सॉल्व करते हैं. Given equation, given that p square minus 5p plus 6 equal to 0. यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है कि ये p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये p का मतलब क्या है, इस p की मीनिंग क्या है, p is equal to dy upon dx है. हम इस dy upon dx को इसमें यूज करेंगे. यहां पर जो p क्वेश्चन में दिया है, इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, dy upon dx. dy upon dx, ठीक है. तो p square minus 3p minus 2p plus 6 equal to 0. मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, p कॉमन किया तो p minus 3, minus 2 कॉमन किया तो p minus 3. आप लोगों ने ऐसा सॉल्व किया है, p minus 3 दोनों से कॉमन है तो p minus 3, p minus 2 equal to 0. क्लियर है? अब पहले इस फैक्टर को यूज करते हैं. when p minus 3 equal to 0, तो p equal to 3. अब इस p की वैल्यू क्या रखना है, dy upon dx. जैसे ही आप उसको dy upon dx रखोगे, तो ये आपको मालूम है कि आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड पढ़ी है. 12th में क्या पढ़ा है आप लोगों ने, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड पढ़ी है. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का मतलब ये होता है कि x को x के साथ एडजस्ट करना है और y को y के साथ सेलेक्ट करना है. कांस्टेंट x में भी जा सकता है और कांस्टेंट y में भी जा सकता है. ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड. तो देखिए ये कांस्टेंट है, तो dy upon dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy upon dx को हम लिख सकते हैं dy equal to 3 into dx. dy is equal to 3 into dx. अब इसका इंटीग्रेशन करो on integrating. इंटीग्रेटिंग तो dy equal to 3 into dx plus take a constant c1. तो this is y is equal to 3x plus take a constant c1. तो y minus 3x minus c1 equal to 0. ये हमारे पास में टर्म आ गया, ये हमारे पास में टर्म आ गया. फिर इसके बाद में पहला फैक्टर आ गया. अब दूसरे को लेते हैं, एंड नाउ p minus 3 equal to 0. तो dy upon dx equal to 3. Sorry, 2. 2 होगा. तो dy upon dx equal to 2. तो dy equal to 2dx. फिर इसका इंटीग्रेशन, तो dy equal to 2dx plus c2. तो this is equal to y is equal to, ये हो जाएगा 2x plus a का कांस्टेंट c2. तो y minus 2x minus c2 equal to 0. ये हमारे पास में इसका दूसरा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है. अब हमारे पास में जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में दो अलग अलग सॉल्यूशन आते थे, तो हम दोनों को क्या करते थे, कंबाइन करके लिख देते थे. लेकिन यहां पर हमको जो दोनों सॉल्यूशन, वहां पे क्या करते थे, प्लस या माइनस ही करके लिखते थे. लेकिन यहां पर हम जो दोनों सॉल्यूशन को लिखेंगे वो क्या कैसे लिखेंगे, देखिए आप लोग बहुत ध्यान से. यहाँ पे अपने को ये यूज करनी है जो टर्म, वो टर्म क्या होगी, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, क्या होगा, पहला वाला सॉल्यूशन पूरा लिखो, फर्स्ट सॉल्यूशन इज y माइनस 3x माइनस c1, और दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, y माइनस 2x माइनस c2 इक्वल टू, ये दूसरा सॉल्यूशन y माइनस 3x माइनस c1, और दूसरा सॉल्यूशन y माइनस 2x माइनस c2 equal to 0. ये हमारे को दोनों सॉल्यूशन को हमने कंबाइन करके लिखे, एक ये है और एक ये सॉल्यूशन, क्लियर है. तो ये दो सॉल्यूशन को यहाँ मिला के ऐसे लिखना है. और जो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p के लिए. अभी हम p के फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हैं, फिर x के फॉर्मेट में, फिर y के फॉर्मेट में, या पहले y के फॉर्मेट में फिर बाद में x के फॉर्मेट. अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, देखना उसमें कैसे अप्लाई करेंगे इस मेथड को.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नेक्स्ट है सॉल्व सॉल्व अगला क्वेश्चन जो है इसका पी इंटू पी माइनस वाई टू इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस वाई। अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमारे पास में ये वाला टाइप है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसमें dy अपॉन dx कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन उसके अंदर लिखा है, ये हमको मालूम है। कैसे मालूम है dy अपॉन dx लिखा, क्योंकि p की वैल्यू क्या होती है, p इज इक्वल टू मैंने कैलकुलेट किया है, देखो dy अपॉन dx, ठीक है। तो दिस इक्वल टू p, p माइनस y इज इक्वल टू x, x प्लस y। अगले अपने को उसमें क्या करना है, ध्यान से देखो, दिस पी स्क्वायर पी वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, दोनों का इधर ट्रांसफर कर लो, पी स्क्वायर पी वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। आप लोग एक चीज ये ध्यान रखिएगा, देखना ये p में भी क्वाड्रेटिक दिख रही है और x में भी, लेकिन हम p के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए p वाली टर्म को ही अपने को यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना बहुत। तो देखिए अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हम ये ऑलरेडी फैक्टराइज कर रहे हैं, तो हम केवल इसको अरेंज करेंगे p स्क्वायर के साथ में x स्क्वायर को, इन दोनों को एक साथ लेना, तो इन दोनों में से माइनस वाई कॉमन है, तो पी प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। This, इसको लिख सकते हैं p माइनस एक्स और इसको लिख सकते हैं p प्लस एक्स, माइनस वाई p प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, दोनों से p प्लस एक्स को कॉमन कर लो, माइनस एक्स माइनस वाई। अब जो हम इसमें देखते हैं ये p के सॉल्यूशन में क्या होगा, p के सॉल्यूशन में बहुत ध्यान से देखो इसमें, ठीक है। ये हमने लिख लिया p प्लस वाली टर्म, अब देखिए पहले इस फैक्टर को लेते, पहले वाले फैक्टर को, when p प्लस x इक्वल टू जीरो, इस p की वैल्यू dy अपॉन dx इक्वल टू, इस x को इधर ट्रांसफर कर दो माइनस x। अब वो फिर से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को अप्लाई करो, जब इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाओगे तो dy इज इक्वल टू माइनस x dx, x को x के साथ और y को y के साथ। यदि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड नहीं लगी तो फिर हमें उसके आगे वर्क करना है, या तो उसमें लीनियर लगेगा या फिर एग्जैक्ट लगेगा या फिर बर्मोली लगेगा या फिर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। अभी तो हमने दोनों क्वेश्चन देखे, तो इसमें दोनों क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई हो गए। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग dy इज इक्वल टू माइनस x dx प्लस a का कांस्टेंट c1, इसका इंटीग्रेशन इज y माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1, तो y प्लस x square upon 2 minus c1 equal to, ये हमारे पास पहला सलूशन, क्लियर है। अब अपन दूसरे सलूशन की तरफ चलते हैं, दूसरा सलूशन क्या होगा, इस वाले टर्म को लो, तो जब दूसरा सलूशन हम इस टर्म की बात करेंगे, इस वाले टर्म की, तो अपने को इस टर्म पे फोकस करना है, अगली टर्म क्या होगी इसकी देखिएगा, अगले टर्म में एंड नाउ p माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये लिखा। अब इसके बाद में dy अपॉन dx माइनस x माइनस y इक्वल टू जीरो, ये आ गया। इस वाले टर्म में क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू, इन दोनों टर्म का राइट हैंड साइड ट्रांसफर करो, तो x प्लस y आ जाएगा, दोनों का साइड ट्रांसफर कर दिया, तो दिस इक्वल टू x प्लस, तो इसके बाद में इस y को, अब देखिएगा इन दोनों टर्म से
एक्स और वाई को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, 1% भी पॉसिबल नहीं है कि उससे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड नहीं लगेगी तब आपको या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगी या बर्नौली लगेगी या एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो हम लीनियर से चेक करना शुरू करते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है dy/dx py=q, ये वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो हम इसको उस फॉर्मेट में बनाते हैं। कैसे बनेगी देखिएगा, ये y है तो यहां पर y की टर्म आनी चाहिए dy/dx - y = x। अब देखो ये लीनियर के फॉर्मेट में बन गई। जब लीनियर के फॉर्मेट में ये बन जाएगी तो हियर p = -1 और q = x, तो if = e^p(dx), तो e^-1(dx), तो e^-x कितना होगा -x, एंड y(if) = q(if)(dx) प्लस टेक अ कांस्टेंट c2, तो y(i)(i) दिस e^x, q कितना है x है, e^-x dc + c2। देखिएगा एक हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करते थे, ये हमको लीनियर डिफरेंस, लेकिन जब p के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो p के सॉल्यूशन तो अपनी जगह है ही है, लेकिन उसमें एक पार्ट हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल गया। इसलिए हमने जो पिछले मेथड अभी तक पढ़ी है M2 के अंदर, वो कोई सी भी मेथड यहाँ पे यूज हो सकती है। जो हमने 12th में पढ़ के आया, जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल 12th में पढ़ के आया, होमोजीनियस हमने 12th में पढ़ के आया, वो सब मेथड यहाँ पे यूज हो सकती है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मैंने आपको बता दी क्या होती है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल x x के साथ जाता है, y y के साथ जाता है। ये हमको बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म किसके साथ जाती है। अब इसमें ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन (dx + c) (y−x - x)-(−) फिर इसका इंटीग्रेशन (e^-c2) इसको आप सॉल्व करके एक बार देख लो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, चेक कर लेते हैं फिर से। y e^-x = -x e^-x, ये माइनस हो जाएगा e^-x + c2, और इन पूरी टर्म को इस साइड ट्रांसफर (e^-c2) = 0, ये हमारे पास में दूसरा सॉल्यूशन। अब इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करके लिखना, एक सॉल्यूशन कौन सा आया हमारे पास में, ये वाला सॉल्यूशन आया, और दूसरा सॉल्यूशन कौन सा आया हमारे पास में, ये वाला सॉल्यूशन आया। ये सेकंड सॉल्यूशन, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज y+(x^2)-c1, और दूसरा है y e^-x, x e^-x, e^-x - c2 = 0। क्लियर, किसी को डाउट इसमें, किसी को डाउट है क्या? नहीं। तो जब हम ये दोनों सॉल्यूशन को हमने ऐसे कंबाइन करके यहाँ पे यूज करना, तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ solvable for p, ठीक है। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा वो देखते हैं। ऐसे इसके जितने भी p के लिए सॉल्यूशन है उनको पूरे क्वेश्चंस को इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना। बस हमको प्रॉब्लम कहां होके आएगी, जब हम उसका फैक्टर निकाल लेंगे। ये दो फैक्टर आए, ये जब हमारे पास में दो फैक्टर आएंगे तो पहला फैक्टर देखो यहां पर आसानी से सॉल्व हो गया, लेकिन जब हमने दूसरा फैक्टर लिया ये वाला, तो दूसरे फैक्टर में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड नहीं लग रही थी। जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड नहीं लग रही थी तो अपन ने क्या किया, उसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं लग रही थी तो अपन ने क्या किया, उसको लीनियर मेथड में, अब इसके बाद में
एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन है सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, अगला क्वेश्चन क्या है सॉल्व पी स्क्वायर प्लस टू पी बाय कॉर्टेक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन है अगला वाला। अब आप लोग देखिए ये क्वेश्चन भी P में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, काय में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है P में, सॉल्व P स्क्वायर प्लस 2PY cotx माइनस y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन अपन करते हैं इसका स्टार्ट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज P स्क्वायर प्लस 2PY cotx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ये पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पी में कैसी है कि पी स्क्वायर है फिर पी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, या तो मिडिल टर्म को टू पार्ट में डिवाइड कर दो या फिर फार्मूला मेथड अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। दो प्रकार से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो उसमें फार्मूला मेथड अप्लाई कर दो या फिर क्या अप्लाई कर दो उसमें फार्मूला मेथड, या फिर क्या अप्लाई कर दिया अपन उसमें फार्मूला मेथड के अलावा मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। टाइम हो रहा है इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि यदि मान लो अपनी क्लास चलते चलते मीटिंग एंड होती है तो आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइएगा इसी ग्रुप पे, ठीक है ना, जो मैंने लिंक भेजी। अब अपन इसको हियर फार्मूला मेथड ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू वाई कॉटेक्स और c इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, c इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। वी नो दैट फार्मूला p इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो p इज इक्वल टू माइनस b कितना है 2y cot x प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 4, ए कितना है आपके पास 1 इंटू सी कितना है माइनस वाई स्क्वायर, दिस अपॉन 2 इंटू ए इज 1, तो पी इक्वल टू माइनस 2 वाई कॉट एक्स प्लस माइनस 4 वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 2। आप लोग दोनों में देखो 4y स्क्वायर क्या है कॉमन टर्म है, तो अंडर रूट के जैसे ही वो बाहर आएगी तो माइनस 2y cot x, 2y अब आएगी तो 2y अंडर रूट cot स्क्वायर x प्लस 1 दिस अपॉन 2। तो दिस इक्वल टू अब अपन इसको p इज इक्वल टू ये टू से ये टू कॉन्स्टेंट कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे बचेगा माइनस का y cot x प्लस माइनस बाई और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर, तो उस स्क्वायर के कारण अंडर रूट हट जाएंगे तो केवल कोसेक एक्स बचेगा। अब देखिए इस बाई पी को क्या लिख सकते हैं dy अपॉन dx, पी को क्या लिख सकता हूं मैं dy अपॉन dx, और दोनों से y कॉमन हो जाएगा तो माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस कोसेक एक्स इंटू dx। Is that clear?